आपके साथ। प्रमंडल के 600 डाककर्मी हड़ताल पर, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के आह्वान में बैठक। बैठक में लिया गया ग्रामीण डाक कर्मियों के हड़ताल का फैसला। पूर्णिया प्रधान डाकघर में आयोजित हुई बैठक। सरकार विभाग के उच्च पदाधिकारी पर लगाया धोखा का आरोप। दिया गया कमलेश चंद्र कमेटी लागू करने का झूठा बयान। 16 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे डाककर्मी। कमेटी लागू करने के नाम पर षड्यंत्र रचाने का भी आरोप। 18 दिसंबर से पुनः बैठेंगे हड़ताल पर ये कर्मी। आगे हम लोग 16 दिन का हड़ताल किए थे, उसमें सरकार ने हम लोगों के साथ धोखा किया। दो तरह का फाइल तैयार किया हम लोगों को दिखावा के लिए कुछ, और तड़े तर अपना मनगढ़ंत फाइल बनाकर हम लोगों का भविष्य को अंधकार में डाल दिया। उसको देखते हुए यह हम लोगों को हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा है। 18 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे पूर्णिया जिला के 601 ग्रामीण डाक कर्मचारी और 307 शाखा डाकघर तथा उपडाकघर में कहीं प्रतिनियुक्त होकर कार्य कर रहे हैं ग्रामीण डाक कर्मचारी तथा प्रधान डाकघर में काम कर रहे हैं कुछ प्रतिनियुक्त होकर के ग्रामीण डाक कर्मचारी, सभी बेबुनियादी हड़ताल पर हम लोग जाने का निर्णय लिए हैं। यह धोखाधड़ी के खिलाफ में कि जब तक कमलेश चंद्रा एक कमेटी बनाई गई थी हम लोगों का, उसका हूबहू रिपोर्ट 100% हम लोगों का लागू नहीं होगा। इस बार हड़ताल हम लोग नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, पिछले दिनों भी आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे, उससे क्या लाभ, मतलब कोई आश्वासन नहीं मिला? आश्वासन दिया, मीडिया में न्यूज़ दे दिया गया, 65% की बढ़ोतरी कर दी गई, 55% की बढ़ोतरी हुई, और बढ़ोतरी के नाम पर 2% आंशिक बढ़ोतरी मात्र देकर हम लोगों को धोखा में डाल। सिर्फ कागजी तौर पर बढ़ोतरी, सिर्फ कागजी तौर पर दिखाया गया, लेकिन यह स्थानीय लेवल पर नहीं आया। और इसके विरुद्ध हम लोग बार बार भूख हड़ताल किए, धरना दिए, बार बार इतना अवधि में हम लोग बार बार जो है सो प्रोग्राम अपना देते रहे, फिर भी सरकार नहीं सुनी। प्रधानमंत्री को मैसेज भेजा गया, वित्त मंत्री को भेजा गया, पूरे देश के सभी नेता को, सभी एमपी को, सभी सांसद को कॉपी दी गई, कहीं से सुनवाई हम लोगों का नहीं हुआ। विवश होकर हम लोग पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिए हैं, और यह हड़ताल हम लोग का इस बार कमर कस रहेगा। चाहे सरकार करो या मरो का संघर्ष पर हम लोग जुटे हैं। हड़ताल तब तक नहीं टूटेगी जब तक कमलेश चंद्रा कमेटी की पूरी रिपोर्ट लागू नहीं कर देती है।